हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न चीज़ बॉल। तो बहुत ही क्रिस्पी ऐसे बने हैं और एकदम चीज़ी। तो चलिए देखते कैसे बनाया है इसे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल है जिसे गरम कर लिया। इसकी जगह पे आप बटर भी ऐड कर सकते हो। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है, इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो मैदे को मैंने यहाँ पे अच्छे से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया, भून लिया है। अभी हम इसमें दूध को ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाते रहना है इसे, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो ये देखिए 2 कप के करीब मैंने इसे दूध को ऐड कर दिया इसमें, और अच्छे से अभी ये थिक सॉस की तरह बन गया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अभी हम इसमें कुछ सीजनिंग्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें नमक को ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ पर हम 3 चीज़ क्यूब है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, चीज़ अच्छे से मेल्ट होना चाहिए इसमें। तो चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अभी हम इसमें कॉर्न को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब कॉर्न लिया है जिसको मैंने बॉइल कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हमें इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ब्रेड क्रम्स को ऐड कर देंगे ताकि इससे अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेना है सब कुछ। तो कॉर्न और ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसे एकदम अच्छे से पूरा ठंडा कर लेना है, तभी हम इसके राउंड बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अभी हम इसके छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने कोटिंग के लिए 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। और उसमें पानी मिला के और थोड़ा सा नमक मिला के इसका एक स्लरी बना लिया है कोटिंग के लिए। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसकी जगह पर आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो। इसके ऐसे छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना लेने हैं। इस स्लरी में हमको डिप कर लेना है, इसको निकाल के फिर हम इसको कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोट कर लेंगे अच्छे से। और ऐसे ही सारे जो राउंड बॉल्स है कॉर्न चीज़ बॉल वो बना लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे जो बॉल्स है कॉर्न चीज़ बॉल, उसको मैंने अच्छे से बना लिया है, कोट भी कर लिया है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप इसको 15 to 20 days फ्रीज भी कर सकते हो एक ज़िपलॉक बैग में भर के, और जब चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हो। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। एक एक जो चीज़ बॉल है उसमें डाल देंगे हम, और अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने क्रिस्पी होने तक और एक अच्छा ब्राउन कलर आने तक मैंने फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्रिस्पी कॉर्न चीज़ बॉल जो है बनकर तैयार है। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।